वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि जिस तरह से हमने लोग बात किया कि MBBS के बारे में, BDS के बारे में, और इसी तरह बाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जी बाम्स के लिए क्या क्या है कॉलेजेज और कैसे कैसे स्कॉलरशिप सीटें हैं नेपाल में पढ़ने के लिए। तो देखिए, बाम्स की अगर बात किया जाए फुल फॉर्म की, तो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी होता है, कहने मतलब कि ठीक उसी तरह MBBS की जैसी कि बैचलर इन मेडिकल एंड साइंस होता है जैसे, और ठीक उसी तरह उसके क्या है जो प्रोग्राम है वो ईयर है, कहने का मतलब कि जिस तरह MBBS की 5 वर्ष 6 महीने की प्रोग्राम होता है, उसी तरह बाम्स के लिए भी 5 वर्ष 6 महीने की प्रोग्राम दिया गया है। और उसके बात करें कि कॉलेज किस किस कॉलेज से यहाँ पर अपलिपमेंट हो रहा है, किस किस कौन कौन कॉलेज है जो MBBS ऑफरिंग कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले ही कि कॉलेज ऑफरिंग बाम्स इन नेपाल का, अगर यहाँ देख सकते हैं आप नेपाल मैंने लिखा हूँ नेपाल, तो इसमें पहले सबसे पहली जो कॉलेज है आयुर्वेद कैंपस IOM TU के अंतर्गत, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन आप तो सुन ही रहे हैं बार बार, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कितना फेमस है, हर चीज़ रन कर रहा है और एक अच्छा खासा कॉलेज माना जाता है मेडिकल कॉलेज नेपाल में, जो कि TU त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रन करता है, जो कि काठमांडू में है, ये आयुर्वेद कैंपस भी काठमांडू में है। तो इसके अगर टोटल सीट की बात किया जाए, तो टोटल सीट है आपकी 30 सीटें है जो टोटल सीटें हैं, और इसमें पेइंग में बात किया जाए, पेइंग में कितना है टोटल सीटें, तो 30 हो गया, पेइंग में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो 14 सीटें है जो पेइंग में आपको पढ़ने के लिए परमिट करेगा, और जो 16 सीटें है जो आपको स्कॉलरशिप में परमिट करेगा। उसी तरह आपके बात किया जाए कि एक और दो तीन ठो और है मेडिकल कॉलेज, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज धुलीखेल में है, यहीं काठमांडू में है, धुलीखेल में है, जहाँ की सीट की अगर आप बात करेंगे तो सीट कहने का मतलब निगोशिएबल है, कहने का मतलब कि घट बढ़ होता रहता है समय अनुसार। उसके बाद आप बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद जो डांग में है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो डांग में है, तो उसमें भी सीट जो है घटपड़ होता रहता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार निगोशिएबल है। और एक है कि उसमें चौथे नंबर में मिथिला आयुर्वेद कॉलेज NSU जनकपुर में है, जिसमें भी सीट ऊपर नीचा होता रहता है समय के अनुसार, कहने मतलब इसमें से आप 4 ठो कॉलेज है, 4 ठो में से किसी 1 ठो में से पढ़ सकते हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट अनुसार इसमें से। और बाम्स की भी स्कोप बहुत अच्छा है, जैसे जिस तरह से MBBS का स्कोप है, ये इसका स्कोप जो है अभी ग्रोइंग हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोइंग होगा मुझे लग रहा है कि बहुत, जैसे कि पतंजलि के बारे में आप तो सभी जान रहे हैं, पतंजलि कितना ग्रो हो गया है, सब लोग अब क्या करें फार्मास्यूटिकल बनाया हुआ छोड़कर सब लोग केमिकल छोड़कर ये पतंजलि की तरफ लग रहा है, धीरे धीरे कितना इसका क्रेज बढ़ गया है। तो इसी तरह आप अगर MBBS में के अलावा या BDS के अलावा दूसरा कुछ रखते हैं जिज्ञासा, तो एक बाम्स भी एक आपके लिए अच्छा स्कोप हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आप बाम्स में के भी एक ऑप्शन के रूप में देख रहे होंगे आने वाले दिन में। चलिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।